मत्ती अध्याय 5। यीशु ने जब यह बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया। वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धन्य है वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा। वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा ही करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक तुम व्यवस्था के उपदेशकों और फरीसियों से धर्म के आचरण में आगे ना निकल जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा। और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है,
तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले। कहीं वह तुझे न्यायी को न सौंप दे और फिर न्यायी सिपाही को जो तुझे जेल में डाल देगा। मैं तुझे सत्य बताता हूँ तू जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई पाई न चुका दे। तुम जानते हो कि यह कहा गया है व्यभिचार मत करो, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का कोई एक अंग नष्ट हो जाए बजाय इसके कि तेरा सारा शरीर ही नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए बजाय इसके कि तेरा संपूर्ण शरीर ही नरक में चला जाए। कहा गया है जब कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे अपनी पत्नी को लिखित रूप में तलाक देना चाहिए, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाक देता है यदि उसने यह तलाक उसके व्यभिचारी आचरण के कारण नहीं दिया है तो जब वह दूसरा विवाह करती है तो मानो वह व्यक्ति ही उससे व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई स्त्री से विवाह रचाता है तो वह भी व्यभिचार करता है। तुमने यह भी सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था तू शपथ मत तोड़ बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर, किंतु मैं तुझसे कहता हूँ कि शपथ ले ही मत, स्वर्ग की शपथ मत ले क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, धरती की शपथ मत ले क्योंकि यह उसकी पांव की चौकी है, यरूशलेम की शपथ मत ले क्योंकि यह महासम्राट का नगर है, अपने सिर की शपथ भी मत ले क्योंकि तू किसी एक बाल तक को सफेद या काला नहीं कर सकता है। यदि तू हाँ चाहता है तो केवल हाँ कह और ना चाहता है तो केवल ना, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वह शैतान से है। तुमने सुना है कहा गया है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। यदि कोई तुझ पर मुकदमा चलाकर तेरा कुर्ता भी उतरवाना चाहे तो तू उसे अपना चोगा तक दे दे। यदि कोई तुझे एक मील चलाए तो तू उसके साथ दो मील चला जा। यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे वह दे दे। जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मना मत कर। तुमने सुना है कहा गया है तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर, किंतु मैं कहता हूँ अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सिद्ध संतान बन सको, क्योंकि वह बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों सब पर वर्षा कराता है। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे क्या फल मिलेगा? क्या ऐसा तो कर वसूल करने वाले भी नहीं करते? यदि तू अपने भाई बंधुओं का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? इसलिए परिपूर्ण बनो वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता परिपूर्ण है। मत्ती अध्याय 6। सावधान रहो, परमेश्वर चाहता है उन कामों का लोगों के सामने दिखावा मत करो, नहीं तो तुम अपने परम पिता से जो स्वर्ग में है उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। इसलिए जब तुम किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका ढोल मत पीटो, जैसा कि आराधनालयों और गलियों में कपटी लोग औरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उन्हें तो इसका पूरा फल पहले ही दिया जा चुका है। Ha ha ha!
किंतु जब तू किसी दीन दुखी को देता है तो तेरा बायां हाथ न जान पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान छिपा रहे। तेरा वह परम पिता जो तू छिपा कर करता है उसे भी देखता है, वह तुझे उसका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह मत करो, क्योंकि वे यहूदी आराधनालयों और गली के नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें देख सकें। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उन्हें तो उसका फल पहले ही मिल चुका है। किंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परम पिता से प्रार्थना कर। फिर तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए कर्मों को देखता है तुझे उनका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो विधर्मियों की तरह यूं ही निरर्थक बातों को बार बार मत दोहराते रहो। वे तो यह सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी, इसलिए उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, स्वर्ग धाम में हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र रहे, जगत में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे, अपराधों को क्षमा दान कर जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किए, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, किंतु यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा परम पिता भी तुम्हारे पापों के लिए क्षमा नहीं देगा। जब तुम उपवास करो तो मुंह लटकाए कपटियों जैसे मत दिखो, क्योंकि वे तरह तरह से मुंह बनाते हैं ताकि वे लोगों को जताएं कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, उन्हें तो पहले ही उनका प्रतिफल मिल चुका है। किंतु जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पर सुगंध मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग यह न जाने कि तू उपवास कर रहा है, बल्कि तेरा परम पिता जिसे तू देख नहीं सकता देखे कि तू उपवास कर रहा है। तब तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए सब कर्मों को देखता है तुझे उनका प्रतिफल देगा। अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे। चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो, जहां उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते और चोर भी वहां सेंध लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। याद रखो, जहां तुम्हारा भंडार होगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। शरीर के लिए प्रकाश का स्रोत आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख ठीक है तो तेरा सारा शरीर प्रकाशवान रहेगा, किंतु यदि तेरी आंख बुरी हो जाए तो तेरा सारा शरीर अंधेरे से भर जाएगा। इसलिए वह एकमात्र प्रकाश जो तेरे भीतर है यदि अंधकारमय हो जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा। कोई भी एक साथ दो स्वामियों का सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम धन और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो, निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, आकाश के पक्षी ना तो बुआई करते हैं और ना कटाई, ना ही वे कोठारों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल के फूलों की, वे कैसे खिलते हैं, वे ना कोई काम करते हैं और ना अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ
कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। इसलिए जब जंगली पौधों को, जो आज जीवित हैं पर जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो अरे वो कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होंगी, हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती हैं। मत्ती अध्याय 7। दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। तू अपने भाई बंधुओं की आंख का तिनका तक क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता? जब तेरी अपनी आंख में लट्ठा समाया है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तू मुझे तेरी आंख का तिनका निकालने दे? ओ कपटी, पहले तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल, फिर तू ठीक तरह से देख पाएगा और अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो, और सुअरों के आगे अपने मोती मत बिखेरो, नहीं तो वे सुअर उन्हें पैरों तले रौंद डालेंगे, और कुत्ते पलट कर तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा देंगे। परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है प्राप्त करता है, जो खोजता है पा जाता है, और जो खटखटाता ही रहता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। तुम में से ऐसा पिता कौन सा है जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे, या जब वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप दे दे? बताओ, क्या कोई देगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए यदि चाहे तुम बुरे ही क्यों ना हो, जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं, सो निश्चय ही स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। इसलिए जैसा व्यवहार अपने लिए तुम दूसरे लोगों से चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम भी उनके साथ करो। व्यवस्था के विधि और भविष्यवक्ताओं के लिखे का यही सार है, सूक्ष्म मार्ग से प्रवेश करो। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चौड़ा द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं, किंतु कितना संकरा है वह द्वार और कितनी सीमित है वह राह जो जीवन की ओर जाती है। बहुत थोड़े से हैं वे लोग जो उसे पा रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, वे तुम्हारे पास सरल भेड़ों के रूप में आते हैं, किंतु भीतर से वे खूंखार भेड़िये होते हैं। तुम उन्हें उनके कर्मों के परिणामों से पहचानोगे। कोई कंटीली झाड़ी से न तो अंगूर इकट्ठे कर पाता है और न ही गोखरू से अंजीर। ऐसे ही अच्छे पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं, किंतु बुरे पेड़ पर तो बुरे फल ही लगते हैं।
एक उत्तम वृक्ष बुरे फल नहीं उपजाता और न ही कोई बुरा पेड़ उत्तम फल पैदा कर सकता है। हर वह पेड़ जिस पर अच्छे फल नहीं लगते हैं काट कर आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए मैं तुम लोगों से फिर दोहरा कर कहता हूँ कि उन लोगों को तुम उनके कर्मों के परिणामों से पहचानोगे। प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा। उस महान दिन बहुत से मुझसे पूछेंगे, प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्टात्माएं नहीं निकाली? और क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, अरे कुकर्मियों यहां से भाग जाओ। इसलिए जो कोई भी मेरे इन शब्दों को सुनता है और इन पर चलता है उसकी तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य से होगी जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और यह सब उस मकान से टकराए, पर वह गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। किंतु वह जो मेरे शब्दों को सुनता है पर उन पर आचरण नहीं करता उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई जिससे वह मकान पूरी तरह ढह गया। परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ने ये बातें कहकर पूरी की तो उसके उपदेशों पर लोगों की भीड़ को बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि वह उन्हें यहूदी धर्म नेताओं के समान नहीं बल्कि एक अधिकारी के समान शिक्षा दे रहा था। मत्ती अध्याय 8। यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरा तो बहुत बड़ा जनसमूह उसके पीछे हो लिया। वहीं एक कोढ़ी भी था, वह यीशु के पास आया और उसके सामने झुककर बोला, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। इस पर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ और कहा, निश्चय ही मैं चाहता हूँ, ठीक हो जा। और तत्काल कोढ़ी का कोढ़ जाता रहा। फिर यीशु ने उससे कहा, देख इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, पर याजक के पास जाकर उसे अपने आप को दिखा, फिर मूसा के आदेश के अनुसार भेंट चढ़ा ताकि लोगों को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। फिर यीशु जब कफरनहूम पहुंचा, एक रोमी सेनानायक उसके पास आया और उससे सहायता के लिए विनती करता हुआ बोला, प्रभु मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है, उसे लकवा मार दिया है
उसे बहुत पीड़ा हो रही है। तब यीशु ने सेना नायक से कहा, मैं आकर उसे अच्छा करूंगा। सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, इसलिए केवल आज्ञा दे दे, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा। यह मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता हूँ और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही हैं। जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ जा तो वह चला जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आ जाता है। मैं अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह उसे करता है। जब यीशु ने यह सुना तो चकित होते हुए उसने जो लोग उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इतना गहरा विश्वास इस्राएल में भी किसी में नहीं पाया। मैं तुम्हें यह और बताता हूँ कि बहुत से पूर्व और पश्चिम से आएंगे और वे भोज में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे, किंतु राज्य की मूलभूत प्रजा बाहर अंधेरे में धकेल दी जाएगी, जहां वे लोग चीख पुकार करते हुए दांत पीसते रहेंगे। तब यीशु ने उस सेना नायक से कहा, जा, वैसा ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास है। और तत्काल उस सेना नायक का दास अच्छा हो गया। यीशु जब पतरस के घर पहुंचा, उसने पतरस की सास को बुखार से पीड़ित बिस्तर में लेटे देखा, सो यीशु ने उसे अपने हाथ से छुआ और उसका बुखार उतर गया। फिर वह उठी और यीशु की सेवा करने लगी। जब सांझ हुई तो लोग उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को लेकर आए जिनमें दुष्टात्माएं थीं। अपनी एक ही आज्ञा से उसने दुष्टात्माओं को निकाल दिया। इस तरह उसने सभी रोगियों को चंगा कर दिया। यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो। उसने हमारे रोगों को ले लिया और हमारे संतापों को ओढ़ लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ देखी तो उसने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि वे झील के परले किनारे चले जाएं। तब एक यहूदी धर्मशास्त्री उसके पास आया और बोला, गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। इस पर यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की खोह और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर टिकाने को भी कोई स्थान नहीं है। और उसके एक शिष्य ने उससे कहा, प्रभु, पहले मुझे जाकर अपने पिता को गाड़ने की अनुमति दे। किंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चला आ और मरे हुओं को अपने मुर्दे आप गाड़ने दे। तब यीशु एक नाव पर जा बैठा, उसके अनुयायी भी उसके साथ थे। उसी समय झील में इतना भयंकर तूफान उठा कि नाव लहरों से दबी जा रही थी, किंतु यीशु सो रहा था। तब उसके अनुयायी उसके पास पहुंचे और उसे जगाकर बोले, प्रभु, हमारी रक्षा कर, हम मरने को हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, अरे अल्प विश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो?
तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। And it was completely calm. लोग चकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसा व्यक्ति है? आंधी तूफान और सागर तक इसकी बात मानते हैं। जब यीशु झील के उस पार गदरेनियों के देश पहुंचा तो उसे कब्रों से निकलकर आते दो व्यक्ति मिले जिनमें दुष्टात्माएं थीं। वे इतने भयानक थे कि उस राह से कोई निकल तक नहीं सकता था। वे चिल्लाए, हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू यहाँ इसी समय से पहले हमें दंड देने आया है? वहाँ कुछ ही दूरी पर बहुत से सुअरों का एक रेवड़ चल रहा था। सो उन दुष्टात्माओं ने उससे विनती करते हुए कहा, यदि तुझे हमें बाहर निकालना ही है तो हमें सुअरों के उस झुंड में भेज दे। सो यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ। तब वे उन व्यक्तियों में से बाहर निकल आए और सुअरों में जा घुसे। फिर वह समूचा रेवड़ ढलान से लुढ़कते पुड़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा। सभी सुअर पानी में डूबकर मर गए। सुअर के रेवड़ों के रखवाले तब वहां से दौड़ते हुए नगर में आए और सुअरों के साथ तथा दुष्टात्माओं से ग्रस्त उन व्यक्तियों के साथ जो कुछ हुआ था कह सुनाया। फिर तो नगर के सभी लोग यीशु से मिलने बाहर निकल पड़े। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उससे विनती की कि वह उनके यहाँ से कहीं और चला जाए।